यूपी सियासत में अब उठा पटक देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा समय है, लेकिन सबसे बड़े सियासत के सबसे बड़े अखाड़े यूपी में राजनीति विरासत बिछनी शुरू हो गई है। असल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे चंद्रशेखर आजाद रावण को एक बड़ा झटका लगा है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर की पार्टी के नेताओं ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। जानकारी के मुताबिक बदर अली ने पार्टी से किनारा कर लिया है। जी हां, यहां पे ये भी बताते चले कि बदर अली आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वैसे आपको बताते चले कि चंद्रशेखर की समाजवादी पार्टी से गठजोड़ को लेकर बीते दिनों से काफी समय से चर्चाएं हो रही है, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर अभी भी कोई तालमेल नहीं बन पाया। अब इसके बाद पार्टी के अंदर भी काफी मतभेद बढ़ने की बातें सामने आ रही है। अब ये खबर आई है कि बदर अली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक चंद्रशेखर आजाद की तरफ से इस बात को लेकर के किसी तरह की पुष्टि सामने नहीं आई है। दलित राजनीति में जिस तरह से चंद्रशेखर उभरे हैं, उसे देखते हुए राजनीति के जानकार उन्हें उत्तर प्रदेश में मायावती के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आजाद की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आईटीपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।